This conference will now be recorded. जी वेलकम बैक। अभी जो लेक्चर चल रहा था उसमें वो हैंग हो गया लैपटॉप। हालांकि काफ़ी हैवी लैपटॉप है, 8 GB रैम के साथ, मगर फिर भी टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को बेसिकली डोमेन के बारे में बता रहा था कि आप लोगों ने फिर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो एंटर करके और डोमेन को ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने नेम चीप पे कोई डोमेन फाइंड की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो उसको ऐड टू कार्ड किया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और मैंने उसको बाय कर लिया। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी, ये भी होता है नेम चीप में कि हम फंड पहले से ऐड करके यानी कि अपलोड करके रख सकते हैं और किसी भी टाइम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये टैग अपना अकाउंट साइन इन करें। साइन इन करने के बाद हम लोग जो है वो अपनी या फंड अगर हमने अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है वहाँ से हम पेमेंट कटवा देंगे, या हम क्रेडिट कार्ड जो हमने स्किप किया होगा उसके जरिए हम लोग जो है अपनी डोमेन जो है बाय कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल में अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। मैंने OTP लगाया हुआ है तो ही मुझे कोड आएगा। जस्ट जस्ट अ मिनट। जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट अ मिनट। जैसे कि ये मैंने जब मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट डिडक्ट हो गई, उसके बाद डोमेन का ऐसे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ये क्या है कि ये डोमेन का कंट्रोल पैनल है, इसमें मेरे पास तमाम ऑप्शन मौजूद है। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास नेमचीप बेसिक DNS ऐसे आ रहा होगा जैसे आप डोमेन लोगे। आपने कस्टम DNS पे आना है और आपने जो है जो होस्टिंग ली होती है उसके नेम सर्वर आपने एंटर करना होते हैं। ये कहाँ से आपको मिलेंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी होस्टिंग है, आपने uphost.io पे आना है और आपने जिसने जिसने कंप्लीट फीस पे की हुई है वो जो है $39 वाला पैकेज अप्लाई करेगा, और जिसने अभी कुछ फीस उसकी रहती है वो $12 वाला पैकेज अप्लाई करेगा, यानी कि होस्टिंग पैकेज, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग जो है वो होस्टिंग की जो टाइप्स होती हैं वो एक होती है शेयर्ड, एक होती है सेमी डेडिकेटेड सर्वर। शेयर्ड में ये होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, उस पे फॉर एग्जांपल 25 यूजर होते हैं
और उनकी आगे 10-10 साइटें हो, तो फॉर एग्जाम्पल 250 साइटें एक आईपी एड्रेस पे होती हैं। अच्छा, जो सेमी डेडिकेटेड होते हैं या वीपीएस भी इसको बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लिमिटेड 2-3 यूजर्स, उनके आगे साइट्स हो, फॉर एग्जाम्पल 10-10 भी हो तो 30 साइट्स ऑन वन आईपी एड्रेस। ठीक है। अच्छा, जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसमें सिंगल यूजर ऑन वन आईपी एड्रेस। अच्छा, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये है। एक होता है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, ब्लैक लिस्ट आईपी एड्रेस। ठीक है। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है? बेसिकली ऐसा आईपी एड्रेस जिसको जब हम टाइप करें तो वो वेबसाइट खुल जाए जिसके लिए वो आईपी एड्रेस अलॉट किया गया है। जो शेयर्ड होस्टिंग होती हैं या सेमी डेडिकेटेड होस्टिंग्स होती हैं, उनमें डेडिकेटेड आईपी एड्रेस नहीं मिलता होता। ठीक है, क्योंकि डेडिकेटेड आईपी एड्रेस की $2 per month की कॉस्ट होती है, यानी कि साल के $24 एक्स्ट्रा होते हैं वो आपसे चार्ज करते हैं, शेयर्ड वाले ये सेमी डेडिकेटेड वाले। और डेडिकेटेड सर्वर अगर आप लेते हो वो होता ही महंगा, तो उसमें वो आपको डेडिकेटेड आईपी एड्रेस अलॉट होता है। अच्छा, जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उसमें आपको $1 से लेके $5 per month का पैकेज मिलता है। जो सेमी डेडिकेटेड होती है उसमें आपको $5 से स्टार्ट होता है और वो आपको फॉर एग्जाम्पल $15 per month तक, $25 per month तक भी होता है मंथली। ठीक है, हमने जब भी होस्टिंग लेनी है हमेशा ध्यान रखना है कम से कम 1 साल के लिए लेनी है, मंथली नहीं लेनी है। समझ आ रही है? मंथली होस्टिंग आप लोगों ने कभी नहीं लेनी है, इस चीज का आप लोग अपना जो है वो ध्यान रखना पड़ा। अच्छा, ये जो है जो डेडिकेटेड सर्वर होता है ये $50 फॉर एग्जाम्पल $35 से लेके $50 $100 इस तरह से पर मंथ का उसके चार्जेस होते हैं, पर मंथ के इसके चार्जेस होते हैं। अच्छा, जो डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेसिकली इसलिए जरूरी होता है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, या इसको आप ये कह सकते हो कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस इसलिए भी जरूरी होता है कि हमें नहीं पता कि ये जो शेयर्ड होस्टिंग पे या सेमी डेडिकेटेड होस्ट सर्वर पे जो यूजर हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं ब्लैक हैट काम तो नहीं कर रहे। तो उनकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो तबाह हो सकती है। तो स्टार्ट जब आपने करना होता है, लाइक पहले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल, जब आपकी स्टार्टर साइट होती है ना, वो तो चलो शेयर्ड होस्टिंग पे या सेमी डेडिकेटेड पे चल जाती है। मगर अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर आपने स्टार्ट से ही डेडिकेटेड सर्वर लेके रखना है, और आपने उसके हिसाब से जब एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका नाकाम आपका प्रोजेक्ट कभी नहीं होता। ये आपकी सिर्फ सोच होती है जो आपको काम नहीं करने दे रही होती कि मैं काम करूंगा तो मैं कामयाब होता हूँ या नाकाम होऊंगा। ये आपकी सिर्फ सोच होती है, कामयाब आपने होने ही होने जब आप डेली काम करोगे। जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो बातें बताता जा रहा हूँ, जो जो प्रैक्टिकली करके दिखाता जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। आप लोगों सक्सेस आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। ठीक हो गया?
जी अच्छा, तो एक तो ये है कि या तो आप शेयर्ड पे या सेमी डेडिकेटेड पे 12 डॉलर 24 डॉलर साल का दे के आप वो आईपी एड्रेस बाय कर लो। ठीक है, पहली तो बात है होस्टिंग वाले आपको देंगे ही नहीं। ठीक है, मोस्टली होस्टिंग कंपनी 80-90% होस्टिंग कंपनी जो शेयर्ड वाली होती है वो डेडिकेटेड आईपी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कोई देती भी है तो ये प्लस पॉइंट है, आप लोग डेडिकेटेड आईपी ले लो। ये एक अच्छा तरीकाकार है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेफ हो जाता है। अच्छा, इसका एक दूसरा अल्टरनेट तरीकाकार भी है, वो ये होता है कि आप लोगों को अपकमिंग जो लेक्चर होगा 11वां लेक्चर, उसमें मैं बताऊंगा कि जैसी आपने होस्टिंग बाय करनी है, होस्टिंग बाय करने के बाद सी पैनल में एंटर होने के बाद आपने क्या स्टेप करना है कि आपकी जो शेयर्ड या सेमी डेडिकेटेड सर्वर होगा वो डेडिकेटेड सर्वर की तरह उसकी स्पीड भी हो और उसके फीचर्स जो हैं वो डेडिकेटेड सर्वर वाले किस तरह से आप ले सकते हो बगैर कोई पैसे लगाए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को मैं अपकमिंग लेक्चर में सिखाऊंगा कि कैसे आपने शेयर्ड होस्टिंग पे रहते हुए या सेमी डेडिकेटेड सर्वर पे रहते हुए आपने डेडिकेटेड सर्वर के मजे कैसे लेने हैं, ये मैं आप लोगों को अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम आगे चलते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे थे होस्टिंग टाइप, मैंने आप लोगों को बता दिया, उसकी प्राइस बता दी है। अब होस्टिंग जब आप लेने लगते हो ना, उस टाइम के जो स्टेप्स होते हैं उनको आपने जरा ध्यान से देखना है कि जो स्पेस है वो 1 GB आपको मिल रही है, 12 डॉलर अगर आप दे पे करते हो साल का, एक एड ऑन डोमेन 100 GB बैंडविथ, 5 MySQL डेटाबेसेस, सी पैनल आपको एज अ कंट्रोल पैनल मिलता है, बैकअप डेली का कहा जाता है, मगर शेयर होस्टिंग पे आप खुद से बैकअप लेते रहो या उसके अंदर जो प्लगइन होता है वो इंस्टॉल कर लो, वो बैकअप लेता रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके साइड कोई इशू आ गया है तो शेयर होस्टिंग होती है तो उसमें आपको बैकअप फिर नहीं मिल रहा होता। अच्छा, इसमें आप यानी कि टोटल दो साइटें होस्ट कर सकते हो, एक आपकी मेन डोमेन होगी और एक आप एज अ एड ऑन डोमेन ऐड कर लो। तो दूसरा पैकेज है उसमें आपको स्पेस पहले में 1 GB, दूसरे में 5 GB, बैंडविड्थ 250 GB और एड ऑन डोमेन ज़्यादा, और इसमें आप तकरीबन 10 साइटें होस्ट कर सकते हो। जो तो तीसरा पैकेज है वो अनलिमिटेड साइट्स का है, यानी कि इस 10 GB के अंदर जितनी मर्जी साइटें आप ऐड कर लो, उस टोटल तमाम साइटें 10 GB से ज़्यादा का स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, ये प्रोफेशनल पैकेज है। फिर एक्सपर्ट पैकेज है, इसमें 49 डॉलर साल का है और इसमें स्पेस ज़्यादा है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। बैंडविड्थ होता है कि जो हमारी वेबसाइट का जो साइज है ना वो कितनी दफ़ा रिफ्रेश करें तो वो कितनी दफ़ा कितने MBs यूज करता है, बेसिकली जो एक फार्मूला है KB का, देन MB का, देन GB का, कितने MBs का है हमारा पेज या KBs का है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो वो अगर हैवी साइट होगी तो बैंडविड्थ जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने मौजूदा वक्त के मुताबिक साइट बनाई है और यूजर फ्रेंडली साइट बनाई है तो आप वैसे हैवी नहीं बना सकते, ऐसा थीम कोई आप लगा ही नहीं सकते जो हैवी हो, क्योंकि आप यूजर फ्रेंडली साइट आपकी नहीं होगी, आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। हमें वैसे भी स्पीडी साइट बनाना होती है। समझ आ रही बात की? तो जो बैंडविड्थ है उसका वो मुनहसिर होता है कि आपकी वेबसाइट की जो वेबसाइट का जो साइज है उस पे, कि हमारी वेबसाइट का साइज क्या है। तो हमने लाइट वेट साइट बनाना होती है और जो इमेजेस हैं उनको हमने कंप्रेस करके यूज करना होता है ताकि बैंडविड्थ हमारी कम इस्तेमाल हो। वैसे 39 डॉलर वाला पैकेज है या जो 49 डॉलर वाला पैकेज है, इसमें जो स्पेस और बैंडविड्थ है ये अच्छी आपको मिल रही है। तो ये चीज़ें आपने होस्टिंग लेते वक्त देखना होती है कि आपको स्पेस कितनी मिल रही है और आपको बैंडविड्थ कितनी मिल रही है, कितनी साइटें आप होस्ट कर सकते हो, ये फीचर्स बेसिकली आपको पता होने चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से वाला पैकेज चाहिए, उसके बाद आपने साइन अप नाउ, आपने डोमेन पहले ले ली हुई है नेमची पे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ से आपने डोमेन लेनी है वहाँ से होस्टिंग नहीं लेनी, जहाँ से होस्टिंग लेनी है वहाँ से डोमेन नहीं लेनी। ये एक बहुत बड़ा
अलमिया है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही जगह से डोमेन और होस्टिंग लेके और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो कल को अगर कभी डोमेन में मसला आए तो, और होस्टिंग आपके हाथ से जाएगी, होस्टिंग में मसला आया तो डोमेन आपके हाथ से जाएगी, क्योंकि सेम कंपनी में जब होते हैं तो वो बिलिंग पे दोनों की करते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जहाँ से डोमेन लेनी वहाँ से होस्टिंग नहीं लेनी, जहाँ से होस्टिंग लेनी वहाँ से डोमेन नहीं लेनी। डोमेन हम ऑलरेडी नेमचीप से ले चुके हैं, यहाँ पर हम जो है वो डोमेन नेम लगा देते हैं। कंटिन्यू चेक करो। इसके बाद आपने यहाँ अपनी तमाम डिटेल जो है वो ओरिजिनल देनी है, कोई भी आपने ऐसी डिटेल नहीं देनी जो कि यानी कि फेक हो, क्योंकि आप होस्टिंग लेने जा रहे हो तो होस्टिंग में जो है आपका, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है, तो आपने अपनी ओरिजिनल डिटेल देनी है। और ये आप होस्टिंग जो अप्लाई करें ये आप लोगों को 1 साल के लिए SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से 1 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसके बाद आपको रिन्यूअल पे बिल पे करना होता है। ठीक है, आपने यहाँ सारी अपनी डिटेल ओरिजिनल डालने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है, आगे पेपाल के पेज पे जाएगा, वहां पर आपने इस पेज को क्लोज कर देना है। समझ आ रही बात की, पेज को वहां पर आपने क्लोज कर दिया तो होस्टिंग की रिक्वेस्ट मुझे वसूल हो जाएगी, आपको 72 घंटे के अंदर अंदर होस्टिंग के लॉगिन पासवर्ड ईमेल के जरिए आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप होस्टिंग लेते हो तो आपको जो ईमेल रिसीव होती है लॉगिन पासवर्ड के साथ, तो आपको रिसीव होंगे नेम सर्वर्स ऐसे NS1.uphost.io, NS2.uphost.io, ये वो आपने यहाँ पर आके NS1.uphost.io, NS2.uphost.io और यहाँ मार्क पे सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो हमारी जो होस्टिंग है, डोमेन और होस्टिंग है, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने डोमेन के कंट्रोल पैनल को बेशक बंद भी कर दिया, हमें जरूरत नहीं है, अब हम अपनी होस्टिंग को लॉग इन करेंगे लाइक uphost.io/cpanel इस तरह, यानी कि जो भी आपकी होस्टिंग होगी उसमें आपने जाके साइन इन करना है बेसिकली। ठीक है, आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड मिला होगा आपने उसके जरिए उसको लॉगिन कर लेना है। और फॉर एग्जांपल मेरी एक साइट है जी प्राइम, जैसे इसके होस्टिंग पैनल में मैं ऐसे जाऊंगा जैसे ये, ठीक है, अपनी वेबसाइट लिख के एंड में /cpanel भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होस्टिंग का cpanel है, इसके बारे में मैं डिटेल में इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, और हमने कैसे अपनी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, साइट को रेडी कैसे करना है, और होस्टिंग के अंदर फीचर जो होते हैं उनको यूटिलाइज कैसे करना है एड ऑन डोमेन के तौर पे, और इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।